हेलो एंड नमस्ते। एंड आज हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जो 2021 का बिल्कुल प्रॉमिसिंग करियर है। इसमें आप खुद अपने बॉस बन सकते हैं, आपके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वाली टेक्निक सब यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ से लेकर आप लाख्स ऑफ रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं इस करियर में। एंड ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये जो करियर्स हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, कौन से करियर्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं, क्या कुछ फ़ीस रहेगी। सो आप बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा जो ट्वेल्थ के बाद कन्फ्यूज्ड हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के बाद कन्फ्यूज्ड हैं कि उनको क्या करना चाहिए। सो ये जो करियर है ये और कुछ नहीं बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अर्बन लिविंग एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और मिलान से अच्छी कौन सी जगह हो सकती है अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि जब हमें कभी भी अपने घर की में डेकोरेट करने की बात आती है या हम कोई कॉरपोरेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा इटालियन मार्बल्स, इटालियन टाइल्स, इटालियन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड वॉट नॉट। एंड एक टाइम तक मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये करियर बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है वो लग्जरी होम्स के लिए ही लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को या डेकोरेटर्स को कॉन्टैक्ट करते थे। पर आज जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है कंसल्ट करती है किसी इंटीरियर डेकोरेटर को या किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को, या कहीं ना कहीं अगर हम इंटीरियर्स में नहीं बट हम ज़रूर किसी आर्किटेक्ट को कंसल्ट करते हैं। और कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस से लेकर आप लाख्स तक चार्ज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपने किस तरीके की कंपनीज के साथ काम किया है, किस तरीके की लग्जरी होम्स या बिल्डर कम्युनिटीज़ के साथ आपने काम किया है। कुछ टाइम जो है आप इंटर्नशिप्स करके और आप खुद का अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपनी फर्म, अपनी कंसल्टिंग फर्म आप शुरू कर सकते हैं। और हम सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम कितना भी पैसा डाल दें, भले आप 40 लाख 50 लाख से लेकर अगर आप 2-3-5 करोड़ का भी घर या कॉरपोरेट इवेंट या प्रोजेक्ट उठाते हैं, सो उसमें हमें कुछ हज़ारों या कुछ लाखों रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंटीरियर डिज़ाइनर्स को, बिकॉज़ हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यू फॉर मनी है और अल्टीमेटली हमारा घर बहुत सुंदर लगने वाला है। सो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है मिलान में। यूनिवर्सिटी और कहीं नहीं मिलान में एस्टेब्लिश है, इसको हम डोम्यूज एकेडमी मिलानो कहते हैं। ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इटली में जिसने पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइन कोर्सेज लॉन्च किए थे। ये अभी वर्क करी है काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग कोर्सेज के लिए रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन के साथ। सो आपके पास लंदन की डबल डिग्री मास्टर्स, आप इसको कह सकते हैं कि आपको लंदन की भी डिग्री इशू होती है बट आप वो डिग्री परस्यू जो है वो मिलान में इटली में करते हैं। सो जो पहला इनका कोर्स आता है वो इंटीरियर एंड लिविंग डिज़ाइन का कोर्स आता है विच इज़ योर मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, आप पहला जो है वो 11 मंथ्स का कोर्स कर सकते हैं जो 60 ECTS का कोर्स रहता है, एंड दूसरा जो है आप मास्टर ऑफ आर्ट्स इसी में इंटीरियर एंड लिविंग डिज़ाइन में कर सकते हैं जो 14 मंथ्स का कोर्स होता है। ये एक्रेडिटेड है UK की रीजेंस यूनिवर्सिटी लंदन से। ये जो कोर्सेज़ है ये जितने भी जो मैंने दो कोर्सेज आपको बताए हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स और अकेडमिक मास्टर प्रोग्राम इन इंटीरियर एंड लिविंग डिज़ाइन, दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और ये फरवरी, सितंबर एंड अक्टूबर से शुरू होते हैं। आप इसके लिए किसी भी मंथ में आप एप्लीकेशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बहुत फैंटास्टिक कोर्स है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स आता है, इसमें भी आपका 11 मंथ्स का कोर्स होता है जो इटली में कंडक्ट हो रहा है। और जो दूसरा है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है 14 मंथ्स का जो रीजेंस यूनिवर्सिटी लंदन के साथ कोलाबरेट करके 90 ECTS के लिए लॉन्च किया गया है इंग्लिश में। एंड तीसरा जो है वो अर्बन विजन एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का कोर्स है विच इज़ अगेन फॉर 11 मंथ्स एंड 14 मंथ्स, दोनों ही आप ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि आपको डोम्यूज एकेडमी क्यों चूज़ करनी चाहिए मिलानो में। सो सबसे पहली बात तो ये कि वो मिलान में है, सो आधी चीज़ें तो यही ख़त्म हो जाती हैं कि आप इटालियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, सो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरा जो है इसका एलुमिनी नेटवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर्स में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वो लिंक डालूंगी जिसमें आप सारा एलुमिनी नेटवर्क चेक कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे
इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडियन लेबल्स हैं जो यहाँ से इस्टेब्लिश हुए हैं या कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी ने उनको लॉन्च किया है। एंड तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है इटली में जिसने मास्टर्स के लिए डिज़ाइन कोर्सेज लॉन्च किए थे एंड इनके एक्रेडिशन बहुत अच्छे हैं, जैसे इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च वाया नाबा एंड यूके प्राइवेट काउंसिल वाया रीजेंस यूनिवर्सिटी लंदन, इनको एक्रेडिशन मिले हुए हैं। ये टॉप 100 डिज़ाइन स्कूल्स या बिजनेस स्कूल्स में आते हैं पूरी दुनिया में। स्टूडेंट्स अब ये भी पूछेंगे कि ये तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं तो हमें इसमें मिलान जाने की क्या ज़रूरत है। सो देखिए, मिलान मिलान है, इटली इटली है, वो अनबीटेबल है बिल्कुल। अब कुछ ऐसे रीजंस मैं आपको बताती हूँ कि मिलान में ही आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग या अर्बन लिविंग या आपके आर्किटेक्चर जैसे कोर्सेज क्यों करने चाहिए। सो सबसे पहली बात तो ये कि 2000 प्लस इनोवेटिव स्टार्टअप्स को अब तक मिलान स्पॉन्सर कर चुका है। इंटरनेशनल मिलान डिज़ाइन वीक, फैशन वीक भी वहाँ पर इस्टेब्लिश होते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलता है कि आपने अभी पढ़ाई की और आप तुरंत बाद जो है कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं या अपनी जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं उनको फ्लरिश कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ये यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। सो जाहिर सी बात है कि आप इसमें अपना एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर या उस प्लान के अंडर आप अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का या फैशन डिज़ाइनिंग का या मान लीजिए आप अर्बन लिविंग का। इस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में फैशन कोर्सेज भी हैं। सो बट कहीं ना कहीं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करें उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनीज़ के साथ इंटर्नशिप कर चुके हों, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आज होती है कि आपने किस किस अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंडर आपने एज एन इंटर्न काम किया है। सो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको इंडिया में तो बेहतरीन तरीके से नहीं मिल सकती, वो सिर्फ मिलान में ही पॉसिबल है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है डोमियोज़ एकेडमी मिलानो में, इसका 95% प्लेसमेंट रेशियो है। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ये लोग काम करते हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे डीजल हो गया, वोक टैलेंट्स, मार्टिनी, रिबॉक है, फॉरएवर मार्क है एंड आपका किक स्टार्टर एंड काफ़ी सारे जैसे IBM, सिस्को, एसेंचर डिजिटल, फरारो या ग्रोम, इस तरीके की कंपनीज़ के साथ जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स की हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उनको मिला है। इनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडियन नेम को जिन्होंने अपनी जो डिग्री है वो डोमियोज़ एकेडमी मिलानो से फिनिश की थी एंड अब वो बहुत अच्छे पोजीशन पे यूएस में काम कर रही हैं। इसके लिए मैं ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मेंशन करूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आइए बात करते हैं कि जो पहला कोर्स मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डिज़ाइन का, सो इस कोर्स में एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो हर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने फर्स्ट क्लास डिग्री या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया है इंटीरियर डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन में, या अगर आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अब अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसमें, सिविल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अगेन एंडलेस हैं। आप अपनी स्किल्स डेवलप करने के बाद आप डिज़ाइन फॉर्म्स के साथ, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन स्टूडियोज़ के साथ या रिसर्च एनवायरनमेंट में या एज एन एंटरप्रेन्योरियल करियर के तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो डोमियोज़ एकेडमी मिलानो जिनके साथ काम करती है, जैसे 3M है, कैनन हो गया, सिरामिका, फिर हमारे पास जैसे स्वारोस्की एंड वेगा, टोटो बागनी, इस तरीके की कुछ कंपनीज़ है, LG, जिसके साथ ऑलरेडी डोमियोज़ एकेडमी मिलानो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन में। सो आप इसमें से कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं सब तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन के बाद जो दूसरा करियर ऑप्शन या दूसरी डिग्री आती है वो मास्टर्स इन इंटीरियर एंड लिविंग डिज़ाइन आती है। सो इसमें भी आपके पास फर्स्ट लेवल डिग्री होना चाहिए या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्चर में, विजुअल आर्ट्स में या किसी भी और तरीके के डिसिप्लिन में जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो। इसमें काफ़ी सारे करियर ऑप्शन आपके पास आते हैं, जैसे आप डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं अर्बन लिविंग या इंटीरियर लिविंग के लिए, जैसे रिटेल सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, या आप एग्जिबिशन, इवेंट, लाइटनिंग्स में या फर्नीचर्स में आप काम कर सकते हैं, या आप किसी भी तरीके की आर्किटेक्चरल फॉर्म या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। और
इसमें जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जैसे मूबा, इंटर्नी, पाक हयात मिलानो, इस तरीके की कंपनीज़ हैं जिसमें मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। और आप बाकी की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। थर्ड जो कोर्स आता है वो अर्बन विजन एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का कोर्स है। आर्किटेक्चर से तो हम अब सभी वाकिफ़ हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शंस में आता है। अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आपको पोर्टफोलियो बनाने में मज़ा आता है, या आप यू कैन सिट फॉर लॉन्गर आवर्स अपने डिज़ाइनिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, तो आर्किटेक्चर से अच्छा कोई फील नहीं हो सकता। सच में आप लाखों रुपये कमा सकते हैं और आप सच में अपने ही बॉस बन सकते हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें आपके मास्टर्स प्रोग्राम के बाद जाहिर है कि आप स्टूडियोज, लोकल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ या अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं एज एन अर्बन प्लानर, अर्बन डिज़ाइनर या प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे या आर्किटेक्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। डोमोस एकेडमी मिलानो जो है मास्टर्स में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है इंटर्नशिप के लिए, जैसे काफ़ी सारी म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ काम करते हैं ये लोग, एंड काफ़ी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे एस्टेट डेवलपमेंट इटली, हाइंस एंड मटेरियल साइंसेज या मिलानो मेट्रोपॉली डेवलपमेंट एजेंसी, इस तरीके की कंपनीज़ के साथ ही कोलैबोरेटेड है। आप बहुत इजीली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। रीजेंस यूनिवर्सिटी लंदन भी वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, सो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको दोनों ही जगह से डिग्री मिलती है। सो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड जो है उसमें आपके लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आपके पास सीवी में दिखाने के लिए कुछ बहुत बेहतरीन होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जल्दी आती हैं, प्लस आप बहुत जल्दी अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई रियली बिलीव कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, आप इसको ज़रूर थम्स अप दीजिएगा एंड हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा जो इंटरेस्टेड है, कंफ्यूज है, बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग स्किल्स है बट उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे यूटिलाइज़ करें इसको, या उनको फाइन आर्ट्स या इसके अलावा कोई एक एडिशनल करियर चाहिए जो एक प्रोफेशनल करियर हो या कॉरपोरेट करियर हो। एंड अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़ियोक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मेन ऑफिस है वो सूरत में है और जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है वो यूरोप में इस्टेब्लिश्ड है। आप ईमेल के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं dizzyoakservices@gmail.com पे, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऑन द टॉप ऑफ दैट अब आप हमारी वेबसाइट भी गो थ्रू कर सकते हैं, दैट इज़ www.dizzyoak.org। सो इस पे भी आपको सभी तरीके की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये फेब्रुअरी, सितंबर एंड अक्टूबर तीनों इनटेक्स के लिए ओपन है और इससे बेहतरीन आई एम श्योर कि कोई यूनिवर्सिटी डिज़ाइनिंग के लिए नहीं हो सकती। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।